बिहार के सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिवान में अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। पूरी घटना छठ के खरना के दिन घटी हुई है, जहां पे अपराधियों ने दो युवक को गोली मारी है। बताया जा रहा है कि एक की इलाज के क्रम में मौत हो गई है, तो एक दूसरी की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। पूरी घटना सिवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र में घटी हुई है, जहां पे नौतन थाना क्षेत्र के रामगढ़ बलुआ पुल के बीच रंजीत कुमार यादव जो सिवान के श्रीनगर के रहने वाले हैं, तो ये दूसरा पप्पू यादव जो सिवान के लखराव गांव के रहने वाले हैं, दोनों को अपराधियों ने गोली मारी, जिसमें रंजीत कुमार यादव की मौत हो गई है, तो वही पप्पू कुमार यादव की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज अभी फिलहाल गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पूरी घटना बता रहा है कि नौतन थाना क्षेत्र के रामगढ़ बलुआ पुल के समीप घटी हुई है, जहां पे बेखौफ अपराधियों ने दो युवक गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जहां पे एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई, तो एक दूसरे की इलाज अभी गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही नौतन थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस प्रकार घटना के बाद तमाम लोग जो है सिवान के सदर अस्पताल पहुंचे हुए हैं। बिहार में जिस तरह लगातार अपराधियों का ग्राफ बढ़ रहा है, दिन दहाड़े किसी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो कहीं लूट कर रहे हैं, तो कहीं हत्या कर रहे हैं और आसानी से फरार हो जा रहे हैं। इस पर पुलिस प्रशासन को चाहिए कि जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं, उस पर त्वरित कार्रवाई करें। तो फिर से बता दें कि बिहार के सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छठ के दिन अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जहां पे अपराधियों ने युवक गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया है, तो वहीं दूसरे युवक की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। पूरी घटना जो है सिवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र के रामगढ़ बलवा पुल के समीप घटी हुई है, जहां पे रंजीत कुमार यादव जो श्रीनगर के रहने वाले हैं, जिनको अपराधियों ने गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव जो सिवान के लखराव गांव के रहने वाले हैं, जिनकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही नौतन थाने की पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सिवान के चर्चित समाजसेवी श्रीनिवास यादव प्रशासन से मांग किया है कि जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं, उन पर त्वरित कार्रवाई हो। अब देखना होगा इस मामले में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है और कब तक इस घटना में शामिल अपराधियों के पास पहुंच पाती है, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा।